दोनों पैर नीचे रखे लेकिन हाथों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा। सब लोग हम नमन कर रहे हैं प्रकृति माता को, सूर्य देव को, पूरा स्ट्रेच कर श्वास छोटे हुए हाथों पर नीचे लाइए, पैर को भी। अब हम बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने तरफ करते हैं हर आसन को। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, अपने हथेलियों को एक बार मुड़ाए दोबारा नमस्कार मुद्रा में। कुछ देर स्ट्रेच करें, सामने देखे नमन करें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आए विश्राम। शांति शांति। धीरे से आंखें खोले और अपना हाथों को वापस अपनी जगह ले आई। अब हम चालन के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से हम चालन क्रियाओं का अभ्यास प्रारंभ करेंगे और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए, स्थिति में ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाए, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए, श्वास भरते हुए छाती अपने सिर जमीन पर रहे। पूरा ये तनाव दूर करने के लिए बहुत लाभदायक सुलभ आसन है शेषक आसन। आसन में बने रहे, बहुत बढ़िया। श्वास लेते हुए वापस आइए, उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें सिर के पीछे। योग अभ्यास बहुत आनंद के साथ करना है, हर्ष के साथ करना है, मिलकर करना है, इसका मजा अलग है। तब हम मकरासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं, दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दाएं हथेली बाईं हथेली पर रखिए, अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। मकरासन हाइपरटेंशन के लिए बहुत सुलभ और बेस्ट आसन है। ये आसन शरीर और मन को विश्राम के साथ साथ तनाव से मुक्ति देते हैं। सरल और सुंदर आसन मकर आसन, द क्रोकोडाइल पोस्चर। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए, श्वास भरते हुए अपने हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए, स्ट्रेच योर हैंड्स। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि के वाले भाग तक उठाए, सांप जैसे पूरा ऊपर उठाए। अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर में रखिए, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे, बहुत बढ़िया। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आई। उन सबका हार्दिक आभार सर। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि डिफरेंट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से नेशनल आयुष मिशन के बहुत सारे ऑफिसर्स आए हैं, उनके साथ भी हमारा निवेदन है कि आप सब एक लिमिटेड इंट्रैक्शन इसके बाद करें। उन सबका भी हार्दिक आभार। यहाँ पर उपस्थित सभी योग प्रेमियों, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नेशनल स्टूडेंट्स, जो कि हमारे वाइस चांसलर महोदय की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सचिव राजेश कोटेचा जी हमारा पूरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनका हार्दिक आभार। एंड बासवा रेड्डी जी का भी स्पेशल आभार, जो योग के प्रशिक्षक ही नहीं, वो योग को एक नींव का पत्थर मैं उनको कहना चाहूंगी, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी के साथ आइए हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much to our distinguished guests, and I request everyone to kindly take your seats in front of the stage. Thank you. Now we are दाई और बाई ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे।
श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए, टर्न टू योर राइट, श्वास भरते हुए वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए, टर्न टू योर लेफ्ट, श्वास भरते हुए वापस आइए, एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए, श्वास भरते हुए वापस आइए, अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए, गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। This announcement that in this particular historic event we have the presence of the student from Tanzania, Uganda, Kenya, Togo, Nepal, Nigeria, Lesotho, Botswana, Egypt, Namibia and Korea. I welcome all of you here today because your presence has made this particular event a global event and this has given a lot of energy and enthusiasm. I believe this is how G20 has set the target, one art, one family, one future. So that is the theme of G20 India's presidency. I believe we have to achieve that target by putting our effort unitedly so that this particular yoga, practice of yoga can be taken up by every individual in the globe. Har angan mein yog abhyas ho, hamara hi apeksha hai. Hum chahte hain har vyakti yog abhyas mein nishthapurvak jud jaiye. This is a science of body, science of mind, science of soul and science of life. I believe we should always adopt yoga as a way of life so that we could make our body, mind strong and healthy and also make the society healthier. I believe with that noble objective, Honorable Prime Minister has leading this particular movement from the front and making the people of the globe understand what is the significance of yoga in our day-to-day life, in our body system, in our mind system, and to attain the feelings and power of spirituality. I believe with that objective, we have to always walk together. With these few words, my Aruheta Kotha, Ikinita Kobi Sarishu, Aham Sarkare Amak, the Abedan Janaisi, J. Dibrugarh, 100 bedded yoga and nesarpiti ekhon hospital hobo lage bole ei khetro to ami bibeshna kori asu ki ma aha rakhim aji ei onusthanor ongkoron kora angbarik bondhu hokol apnalokor jugedi jate ei bartta to jay karon ghore ghore protikon ghoror sutalot protitu poriale jate yog abhyas kore किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, शांत रहिए। सभी एक स्वर में तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। सांस लीजिए। वसुदेव कुटुंबकम हमेशा बोलते रहते हैं, तो उस हिसाब से देखिए इनका जो सोच है हमेशा कि 21 जून जो हमारा योगा दिवस, वो भी पूरा वर्ल्ड को एक साथ, पहले से ही उनका सोच है एक साथ हम लोग चले और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोग आगे बढ़े। और इस दिशा पर जैसे अभी यहाँ पर हमारा यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा जी यहाँ पर ये जो योगा का ये 75 days to 21 जून वो जो बनाया, 100 days से शुरू किया था, काउंटडाउन शुरू हुआ, तो मैं तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे इनवाइट किया मुझे अच्छा लगा और मैं तुरंत उनको कह दिया मैं आना चाहता हूँ। और आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ,
जिस तरह पार्टिसिपेंट्स कम से कम 6-7 हज़ार कम से कम होगा, स्टूडेंट्स वगैरह सभी लोग, और इस तरह होना चाहिए। और ये आज का दिन नहीं होना चाहिए, डेली हम लोग को ये योगा प्रैक्टिस होना चाहिए। उससे जो दिमाग, शरीर, सोल, इंटेलेक्ट सब एक साथ डेवलप करता है। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, आप जानते हैं, तो उस हिसाब से ऑर्थोपेडिक के लिए जो समस्या है उससे भी हम लोग मतलब निकल सकते हैं। डायबिटीज़, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, सभी से हम लोग बाहर रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग का दिमाग जो है, ये थॉट प्रोसेस वो इतना बढ़िया से चलता है योग करने के बाद, और ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज का दिन मेरे लिए एक याद रहेगा, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी अपने अपने स्थान हुए हैं, वो भी जरूर अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रार्थना के समय पर सभी लोग बैठेंगे। बलिष्ठ नेतृत्व आज योग अभ्यास गोटे पृथ्वी जनता आज अत्यंत निजर जीवन तो শক্তিশালী কৰি ৰখাৰ বাবে, সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এতিয়া আমাৰ যিটো যোগ অভ্যাস পূৰ্বতে ভাৰতবৰ্ষত সীমাবদ্ধ আছিল, কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত, তাৰ পাছৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰসমূহতো যোগ অভ্যাস সকলোৱে কৰাৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এতিয়ালৈকে 2015-22 চনলৈকে 8th edition অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ য়োগা সফলভাৱে সমাপ্তি হৈছে। এইবাৰ 9th edition হ'ব। গতিকে 9th edition 21 জুন তাৰিখে হ'ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। গতিকে ইয়াৰ বাবে 100 দিনৰ পৰা কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে। 100 দিন আমাৰ কাউণ্টডাউন দিল্লীৰ তালকাট্টা ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ল। এইবাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত অসম চৰকাৰ সহযোগত আমি 75 ডেজ কাউণ্টডাউনৰ কাৰ্যসূচী সফল কৰি তুলিলোঁ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ আজি বিশিষ্ট নেতৃত্বই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি, উপমুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি, মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, সাংসদসকলৰ উপস্থিতিত আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত, আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে এক সফল ৰূপ দিলোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আজি তাৰিখত য়োগা আৰু নেচাৰপেথী ড্ৰাগলেছ থেৰাপী হিচাপে আজি বিশ্বৰ মানৱ সমাজে ইয়াক নিজৰ স্বাস্থ্য সকলো মহত্তম ছায়েন্স অফ চোল। গতিকে এই প্ৰাচীন যিটো বিজ্ঞান পদ্ধতি আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাৰ বাবে, তাহানি কালতে ঋষিমণিসকলে তেখেতসকলৰ তপস্যা কালত যি সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, আৰু সেই প্ৰাচীন বিজ্ঞান চিকিৎসা পদ্ধতি আজি 21st শতিকাত মানৱ সমাজৰ বাবে অত্যন্ত ইয়াক উপযোগী হৈছে, বা ই মানৱ সমাজক প্ৰিভেনশ্যন অফ ডিজিজ, প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ হেল্থ, প্ৰমোশ্যন অফ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা আমাৰ সকলোৰে বাবে, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে মই ভাবোঁ এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। গতিকে মই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰত্যেকেই যেন দৈনিক যোগ অভ্যাস বাধ্যতামূলকভাৱে কৰে, কাৰণ নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ বাবে, আৰু স্বাস্থ্যই হৈছে ধন, হেল্থ ইজ ৱেলথ, দেহাত থাকিলে বেহা। গতিকে সেইবাবে আমি এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্যই যিমানবিলাক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লগা হ'লে বলিষ্ঠভাৱে যোগ অভ্যাস আমি থ'ব লাগিব। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চোতালত পৰিয়ালৰ সদস্য সদস্যাই যেনে মিলিতভাৱে যোগ অভ্যাস কৰে, আৰু 75 ডেজৰ পাছত 50 ডেজ হ'ব, 25 ডেজ হ'ব, তাৰপাছত 21 জুনত চূড়ান্তভাৱে আমাৰ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস সফল কৰি তোলা হ'ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। গতিকে সেইবাবে আজি তাৰিখত যাতে যোগাৰ সৈতে আমাৰ উঠি অহা চামটো ভালদৰে চামিল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে বিভিন্ন ইনষ্টিটিউচনৰ সৈতে আমাৰ বিভিন্ন বুজাবুজি চুক্তি হৈছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়টো, মোৰাজী দেশাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ য়োগাৰ
আর ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাজত আয়ুষ মন্ত্রালয়ের উদ্যোগত এখন বুঝাবুঝি চুক্তি হব। ইয়াতো প্রশিক্ষণ দিয়া হব যাতে উঠি অহা প্রজন্মই যোগা মাস্টার হিসাবে যোগা এক্সপার্ট হিসাবে তেখেতসকলে নিজক প্রতিষ্ঠা করব পারে গড়ি তুলিব পারে আর তেতিয়া বিশ্বর বুকুত এটা যেনে ধরনের যোগার চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে আয়ুষের প্রোডাক্ট বিলাক চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে তার তেখেতসকলে কর্মহস্ত স্টাডি বিএসসি নার্সিং এন্ড জিএনএম এট সেইন্ট মার্থা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং গুয়াহাটি।